नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे हमने एक ज़बरदस्त रैली देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे जो पीपीआई के नंबर्स आने वाले थे यानी प्रोड्यूसिंग प्राइस इंडेक्स, वो नंबर्स थोड़े कम आए, यानी कि जो सर्विसेज होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके दामों में कुछ कमी आई है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस होते हैं वो कुछ कम हुए हैं और इसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन पे जाता है क्योंकि फिर इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़ा मॉडेस्ट होता है, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है। तो अभी यही कयास लगाया जा रहा है कि आज जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं वो नंबर्स थोड़े से कूल रहेंगे, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है उसी के तहत हो सकते हैं या तो उससे थोड़े कम हो सकते हैं। और इसी वजह से हमने कल इक्विटी मार्केट्स में तेज़ी देखी यूएस मार्केट्स में, एज वेल एज़ आज एशियन मार्केट्स में भी हमने एक तेज़ी का ट्रेंड देखा है। गिफ्ट निफ्टी भी नियरली 75-80 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट्स है 10 साल के वो 3.85 के करीब आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा करेक्शन इनफैक्ट 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में आया हुआ है जो 4.9295 के करीब आ चुका है। और इसी वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स रहेंगे वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम क्रूड की बात करें तो बिकॉज इन्फ्लेशन घट रहा है तो उसका इफ़ेक्ट क्रूड पे आता है और क्रूड के दाम भी $80 के करीब आ चुके हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी भी बने हुए हैं तो वहाँ पे अभी तक कोई तर्क लगाना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल अगर एक्टिविटी देखी जाए तो इन दी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हमारे मार्केट्स नियरली 70-75 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे और उसके बाद हमें देखना है कि क्या हम 24,200 के ऊपर ट्रेड कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था ट्यूसडे के दिन। और मंगलवार के दिन जब मार्केट ने 24,200 के लेवल्स को तोड़ा तो हमने उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखी और 24,100 तक के लेवल्स निफ्टी ने कल के दिन में रीटेस्ट किए थे। आज अगर मार्केट 24,100 के लेवल्स को तोड़ता है तो हम धीरे धीरे 23,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जो मार्केट में और भी करेक्शन ला सकता है। हायर लेवल्स पे 24,500 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उस, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट में टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी जो निफ्टी को 25,000 तक लेके जा सकती है। बट जब तक मार्केट 24,500 के नीचे है, जैसे कि अभी भी जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 24,500 के नीचे की है, तो कोई भी पुल बैक यहाँ से मिलता है उस पुल बैक में आपके पोजिशन को आपको कम करना है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा वीकनेस देखा, 25,000 के नीचे यानी 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज़ किया है। तो यहाँ से अगर ये बैंक निफ्टी और गिरती है तो हम 49,600 तक के लेवल्स देख सकते हैं। इन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी का क्लोज़ आना काफ़ी बड़ा नुकसान ला सकता है, मार्केट में करेक्शन बढ़ सकता है और 49,000 से लेकर 48,800 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी छू सकता है। तो इन लेवल्स के करीब सपोर्ट या रिवर्सल फॉर्मेशन बनना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज हम आने वाले दिनों में बैंक स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं। हायर लेवल्स पे मैंने जैसे बताया यहाँ पे हमें काफ़ी केयरफुल रहना है, 50,500 के लेवल्स के करीब आपके पोजिशन को कम करना ज़रूरी है। बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो वहाँ पर भी वीकनेस बना हुआ है तो हमें यहाँ पे भी काफ़ी केयरफुल रहना है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक व्यू फॉलो करना है और हो सके उतना हमारे पोजीशंस को कम करना इस मार्केट में एडवाइजेबल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।